आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में इसमें जो मोस्ट जो कॉमन जो है वह है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा जो होता है विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा जो होता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और चौथा जो होता है उपचयन, जिसको क्या कहते हैं ऑक्सीकरण भी कहते हैं, और चलो एक पांचवा उपचयन, और उसके बाद क्या होता है अपचयन। यही पांच जैसे कहना रासायनिक अभिक्रिया है जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और उसके बाद उपचयन जिसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी का जो किताब जो है वह उपचयन अभिक्रिया लिखी है ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, और उसके बाद जो पांचवा जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ये पांच जैसे कहना रिएक्शंस हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए बहुत ज्यादा स्लिप कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में बात किया जाए तो अभिकारक जो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं, और यही अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर के और किसका निर्माण करते हैं उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात जो होती है वह ये होती है कि इसमें अभिकारक की संख्या दो होती है, और दो अभिकारक आपस में जुड़ करके और कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यदि कोई पूछे कि संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में ना संयोग करके या आपस में ना जुड़ करके और एक उत्पाद का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एक्चुअली अब इसका अगर उदाहरण देखा जाए संयोजन अभिक्रिया का, तो जैसे कि ना सपोरेट मान लीजिए कि कैल्शियम ऑक्साइड और वह जल से क्रिया किया और ये बनाया, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा और बनाया CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। अब यहां पर ना तुम लोग देखोगे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से क्रिया किया है और क्या बना लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। तो यहां एक कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक है और उसके बाद जल जो है दूसरा नंबर का अभिकारक है, यानी दो अभिकारक हुए और उत्पाद कितना बना एक। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, और इसमें तुम लोग देख रहे हो कि अभिकारक की संख्या दो है और उसका उत्पाद जो बना वो क्या है एक है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखा जाए
तो सपोर्टेट मान लीजिए कि एक कार्बन है और एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है CO2 और प्लस ऊष्मा। यहां आप लोग देखेंगे तो ये कई तरीके से मतलब रासायनिक अभिक्रिया जिसको हमको आगे बढ़ना है। पहला नंबर ये देखिए कार्बन अकेला है और इस कार्बन में ना ये ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। तो वह क्रिया जिसमें से ना ऑक्सीजन जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बेटा ये कार्बन का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का भी ये रिएक्शन है। उसके बाद इसमें तुम लोग देखोगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इसमें क्या निकल रही है, ऊष्मा भी निकल रही है। तो जब ये इसमें से ऊष्मा जब निकल रही है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया यानी वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ना ऊष्मा या ऊर्जा बाहर निकलती है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का बेटा उदाहरण है, कार्बन का इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। उसके बाद ऊष्मा क्षेपी का भी अब ये क्या है, एक तरह से उदाहरण है, अच्छा ये रासायनिक अभिक्रिया है। उसके बाद देखो यहाँ पे ना हम पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया में ना अधिकार कितने हैं, एक कार्बन है और एक दूसरा तो क्या है ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन कर लिए हैं और कंबाइन करके कितने उत्पाद बनाए, एक उत्पाद बनाए हैं। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। क्या ये संयोजन अभिक्रिया हो सकती है, क्या ये संयोजन अभिक्रिया हो सकती है, क्या बताओ तुम लोग? यस सर, एकदम बिल्कुल हो सकती है। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, यानी अभिकारक की संख्या कितनी है, दो, और उसके बाद उत्पाद कितने बने हैं, ये यानी वाटर बना है। तो ये संयोजन अभिक्रिया मतलब कहलाते हैं। इसको बेटा कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ, बिना बुझा हुआ चूना। ये क्या पता कि काले नंबर के पूछ ले, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। बुझा हुआ क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। तो फिर से ना बेटा संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया में एक्चुअली क्या चीज है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में जुड़ करके और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और इसके मोस्टली तीन उदाहरण जैसे का नाम है, पहला नंबर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो जल से बेटा क्रिया करके और क्या बना रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है, पहला उदाहरण है। दूसरा जो है कार्बन जो है कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है और उसके बाद क्या बन रही है, ऊष्मा निकल रही है। और हाइड्रोजन जो गैस है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर रहा है। इसमें एक बात तुम लोग जैसे कहना ध्यान देना, ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा जल रहा है और जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो दहन अभिक्रिया के अंतर्गत ये आता है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है, दहन इसमें हो रहा है। कार्बन का दहन हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ऊष्मा निकल रही है। तो दहन की प्रक्रिया में क्या होता है, कार्बन या कार्बन के अपरूप होते हैं और हाइड्रोकार्बन होते हैं और कुछ मात्रा में जैसे कि अल्कोहल वगैरह जैसे कहना आ जाता है उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं। और जब वो पदार्थ जब जलता है जैसे कहना कार्बन या कार्बन के अपरूप, उसके बाद कुछ प्रकार के अल्कोहल, केरोसिन, पेट्रोलियम पदार्थ हुआ, हाइड्रोकार्बन हुआ, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये जलता है तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और उसके बाद जल बनाता है, साथ में ना ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है। तो ये जो उदाहरण जो है ना ये दहन का भी है, दहन किसका दहन हम करा रहे हैं, दहन का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बेटा क्रिया कराते हैं तो जिससे कार्बन डाइऑक्साइड
बस समझा गया, या दोनों साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जल भी मतलब बन जाएगा और साथ में क्या निकलेंगे, ऊर्जा या उष्मा निकलना जरूरी होगा। तो ये कार्बन का दहन वाला भी है, ये कार्बन का दहन वाला हो रहा है। कार्बन का इसमें क्या हो रहा है, कार्बन का देखा जाए तो ऑक्सीकरण मतलब हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर ना दो अभिकारक आपस में ना पार्टिसिपेट करके आ चाहे आपस में ना जुड़ करके और सिंगल उत्पाद यानी एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो क्या ये संयोजन क्रिया का उदाहरण जैसे कहना जो है या परिभाषा है ये नहीं लिखवा रहे हैं, वो तो तुम लोग लिख ही लोगे, कन्फर्म है? चलो ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट मतलब रिएक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है विस्थापन। देखना सेकेंड जो अभिक्रिया जो है वह है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, या इसका एक और नाम जैसे कहना चलता है, इसका नाम चलता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें थोड़ा सा नोट तो निकालना कि लिखना वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अभिकारक के जिनमें अभिकारक के अणुओं या आयनों या आयनों क्या लिखे वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अर्गो या आयनों एक दूसरे के द्वारा आयनों एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, एक दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है उसे उसे प्रतिस्थापन या विस्थापन क्रिया कहते हैं। तो क्या हम लोग लिखे कि वे अभिक्रियाएं या चाहे वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के अर्गो अभिकारक के अर्ग या आयन एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाते हैं प्रतिस्थापित हो जाते हैं उसको बेटा क्या कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका जो उदाहरण जो बेटा जो है उसको तन ध्यान से तन देखना, अगर विस्थापन अभिक्रिया का अगर उदाहरण अगर जो देखा जाए तो सपोर्ट एट मान लो कैसे कि एफआई है और एक कॉपर सल्फेट है। यहाँ एक्चुअली क्या चीज है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर जो देखा जाए तो उस श्रेणी में ना जो आयरन जो होता है वो कॉपर से काफी ज्यादा मतलब ऊपर रखा गया है, और इसका मतलब ये होता है कि कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है। तो जब कोई ऐसा मतलब धातु हो जो कि जिस मतलब धातु के लवर अगर जो है उससे ज्यादा मतलब यानी जिस धातु के लवर है उस धातु से ज्यादा अगर जो रिएक्टिव है चाहे क्रियाशील है तो उसके बिलियन में से ना बेटा उसको क्या कर देता है प्रतिस्थापित कर देता है। यानी कहने का मतलब क्या चीज है, कॉपर और लोहा का अगर जो तुलना किया जाए तो जो आयरन जो है या लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील है, और कॉपर की अपेक्षा ज्यादा जब क्रियाशील जब आयरन है तो कॉपर को बेटा क्या कर देगा प्रतिस्थापित कर देगा यानी कॉपर का स्थान ले लेगा। तो कॉपर का जब स्थान ले लेगा तो क्या ये बनाएगा नहीं ये भाई SO4 और कॉपर बेटा क्या हो जाएगा एक अकेला पड़ जाएगा। अब इसमें तुम लोग देखोगे तो प्रतिस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम यही जान रहे हैं कि जो कॉपर जो है ठीक ना वो आयरन की जगह पे चला जा रहा, क्योंकि आयरन अकेला था, आयरन अकेला है यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो आयरन किसके जगह पे चला गया कॉपर के जगह, तो कॉपर का जगह ये ले लिया, तो ये आयरन जो है कॉपर का जगह ले लिया और कॉपर तो अकेला पड़ गया यानी कॉपर जो है वो आयरन का जगह ले लिया। जैसे कहना कॉपर यहाँ पे क्या है अकेला हो गया और आयरन तो सल्फेट के साथ आ गया। दूसरा जो है जिंक, जिंक भी बेटा जो होता है जिंक भी कॉपर के अपेक्षा ज्यादा क्रियाशील धातु होता है, तो ये भी क्या करेगा कॉपर को प्रतिस्थापित कर देगा।
तो कापर को बेटा जब प्रतिस्थापित करेंगे नहीं, जिंक जो है कापर के स्थान पे चला जाएगा, तो क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और उसके बाद कापर को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। इसी तरह से ना जो लेड जो होता है बेटा, लेड भी कापर की अपेक्षा में जो देखा जाए तो ज्यादा क्या होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है। तो लेड भी कापर सल्फेट को बेटा प्रतिस्थापित कर देता है, और ये क्या बनाता है, लेड सल्फेट बनाता है और कापर को प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये क्या है, इसको आयरन मान लो, आयरन, और ये सब क्या है, कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट, और यहां पे बेटा क्या माना है, हाँ आयरन सल्फेट इसको मान लो, आयरन सल्फेट और कापर, तो क्या है कापर यहां पे अलग है, कापर अलग है। इसी तरह से क्या है, जिंक है, और ये तो क्या है, कापर सल्फेट बेटा है, ये कापर सल्फेट है, और क्या बना लिया यहां पे, जिंक सल्फेट बना लिया, और कापर तुम क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरह से नहीं क्या है, ये लेड है, ये तो कापर सल्फेट बेटा है, ये है, और यहां पे क्या बना लिया, लेड सल्फेट बना लिया, लेड सल्फेट बना लिया, और यहां पे कापर तुम क्या हो गया, अलग हो गया। ये जो विस्थापन जो अभिक्रिया, इस विस्थापन अभिक्रिया को बेटा कहते हैं एकल विस्थापन या एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इन ये तीनों जो अभिक्रिया है इसको क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। कभी कभी बोर्ड के पेपर में पूछेगा कि एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, और एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का थोड़ा बहुत हम ध्यान दें तो ये होता है सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट की जब क्रिया कराते हैं बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो ये बनाता है, चलिए पहले बेरियम लिख दिया जाए, बेरियम सल्फेट, और उसके बाद 2NaCl बनाता है। यहां पे बेटा जो बेरियम जो सल्फेट जो बना हुआ है, बेरियम सल्फेट जो बना हुआ है इस अभिक्रिया में अवक्षेप के रूप में ना प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट इस अभिक्रिया में किस रूप में प्राप्त होता है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप किसको कहते हैं कि आप लोग ये देखते होंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जल में ना वो डाला जाए तो वो विलय नहीं होते हैं। जैसे कि ना एक जल ले लो और उसके बाद उसमें कोई फैट या चाहे आयल मिलाओ तो वो फैट और आयल जल में विलय नहीं होता है और जल के सतह के ऊपर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जस्ट लाइक तुम लोग गिलास, शीशे के गिलास में ना पानी ले लो और उसको उसमें बालू डालो तो बालू तुम लोग देखोगे कि एकदम नीचे बैठ जाएगा। यानी अवक्षेप का मतलब यही होता है कि कोई पदार्थ जल में ना नीचे बैठ जाएगा चाहे जल के सतह पे ऊपर आ जाएगा लेकिन जल में वो विलय नहीं होगा। तो उसी तरह से बेरियम सल्फेट का बेटा क्या चीज प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, और इस अवक्षेप का जो बेटा जो कलर जो होता है भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, भूरे रंग का। बेरियम सल्फेट का जो बेटा अवक्षेप जो प्राप्त होता है वो किस कलर का होता है, भूरे रंग का। ये बातें समझा गया। ये जो अभिक्रिया का जो उदाहरण जो है बेटा ये इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम समझा दे रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। इसमें और इसमें तुलना करिए, सबसे पहले इसमें आयरन अकेला था और कापर को बेटा प्रतिस्थापित करके किसको अकेला कर दिया, कापर को। आयरन इसमें फर्स्ट टाइप में देखना, विकारक में देखना, तो आयरन यहां का अकेला है और यह आयरन कापर को प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कापर को हटा दिया है सल्फेट से ना और कापर के साथ ये जुड़ गया है और कापर यहां पे क्या हो गया है, अकेला हो गया। यानी इसमें देखना, इसमें कोई अकेला यहां पे ना, फर्स्ट आप स्टेप में ना देखोगे तो आयरन अकेला था और उत्पाद जब बनाया तो कौन अकेला हो गया, कापर।
लेकिन इसमें अगर देखोगे तो कोई अकेला नहीं। अब देखिए इसमें देखना द्विविस्थापन अभिक्रिया में ना क्या चीज होगा, बेरियम यहाँ पे किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है, और यहाँ पे सोडियम किसके साथ है, सल्फेट के साथ है। अब इधर तुम लोग देखोगे तो जस्ट उल्टा हो गया, बेरियम है वो सोडियम का स्थान ले लिया है और सोडियम जो है किसका स्थान ले लिया, बेरियम का स्थान ले लिया। दोनों मतलब ये देखो ये बेरियम का भी प्रतिस्थापन हो रहा है, बेरियम तो सोडियम का जगह पे चला जा रहा है हां, और सोडियम वो किसके जगह पे चला जा रहा है, क्लोरीन के जगह पे चला जा रहा है। देख लो यहां पे ना, देखो यहां पे ना सल्फेट के साथ क्या था, सोडियम, और तो यहां पे कौन आ गया, बेरियम आ गया। क्लोरीन के साथ कौन था, बेरियम, और यहां पे क्लोरीन के साथ कौन आ गया, सोडियम आ गया। तो दो बार प्रतिस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बेरियम का प्रतिस्थापन हो रहा है और दूसरा तो सोडियम का प्रतिस्थापन हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसको कहते हैं। और इसमें देखना इसमें कहां हो रहा है, एक तो अकेला पड़ जा रहा है, आयरन जैसे है कापर को तो प्रतिस्थापित कर दे रहा है, लेकिन कापर किसी के साथ जाकर जुड़ रहा है क्या, नहीं जुड़ रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो जो तीनों जो है वो एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया का है, और जो ये नीचे वाला जो है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया का प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। दूसरी बात, बेरियम सल्फेट का भूरा अवक्षेप बनता है, कभी आप लोग मत भूलिएगा, ये पेपर में ना दे सकता है।